हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर दीजिए, ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साबूदाना पापड़ की रेसिपी, जिसे मैं बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साबूदाने के पापड़ बनाने के लिए दोस्तों, यहाँ पे लिया है मैंने साबूदाना और मैंने इसे एक बड़े भगोने में भिगो दिया है। इसकी क्वांटिटी है आधा किलो, तो मैंने इसे आधा किलो लिया था और मैंने इसको 2 घंटे के लिए सोक करा था। इसमें से अब मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी, आप देख लीजिए कितने मोटे मोटे दाने हो गए हैं इसके। ऐसे ही हो जाने चाहिए बिल्कुल, जैसे बिल्कुल मोती या जैसे थर्माकोल की बॉल्स होती हैं, कम से कम उस तरीके का हो गया ये। मैं इसमें से थोड़ा सा साबूदाना निकाल लूँगी जो हम बाद में यूज़ करेंगे। लगभग मैंने यहाँ पे आधा चम्मच निकाल लिया है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी सबसे पहले ज़ीरा। तो मैं यहाँ पे साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो पाउडर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन साबुत ज़ीरा होता है तो उसका एक अलग ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैंने साबुत ज़ीरा ऐड करा है। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, क्योंकि पापड़ों में नमक बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये सफ़ेद नमक, और साथ ही में इसमें डालूँगी मैं पानी, और हम इसे बॉईल करने रख देंगे। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर कम से कम 1 लीटर पानी डाला है ये बोतल के हिसाब से। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसे रख दूंगी गैस पे पकने। तो मैंने यहाँ पे इसे अभी शुरू में हाई फ्लेम पे रखा है ताकि पानी अच्छे से गर्म हो जाए, और उसके बाद हम इसकी फ्लेम को मीडियम कर देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि हमारा साबूदाना अच्छे से पका है या नहीं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसे चलते हुए कम से कम 10 मिनट हो गए हैं और ये जो बॉल्स हैं ये एकदम साबूदाने की ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। अब मैं इसकी फ्लेम को कर दूंगी यहाँ पे मीडियम और हम इसे ऐसे ही पकाएंगे, और बीच बीच में आपको चलाते रहना है वरना ये चिपक जाएगा नीचे। और यहाँ पे मेरी भी आधी बॉल्स ट्रांसपेरेंट हुई हैं। सारी बॉल जब ट्रांसपेरेंट रहेंगे तब तक हमें इसे पकाना है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा ये थिक लग रहा है बाकी बॉल्स को फूलने के लिए, तो मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूंगी और इसको भी मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी, सारा पानी गर्म हो जाएगा। अगर आपको लगे कि इसमें पानी की क्वांटिटी कम है और जो मेरी साबूदाना है फूल नहीं रहा है, तो आप बीच में पानी ज़रूर ऐड करें, वरना फूलेगा नहीं आपका दाना। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही और छोड़ूंगी। और यहाँ पे इसे पकते पकते 10 मिनट और हो गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस स्टेज पे है। काफ़ी ज़्यादा जेली हो गया है, थोड़ा सा बचा है इसके अंदर, और इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डालूंगी जो हमने बचाया हुआ साबूदाना था, तो मैं इसको डाल दूंगी इसके अंदर। इससे क्या होगा, जब हम पापड़ बनाएंगे तो ये थोड़े से सॉलिड सॉलिड फॉर्म में रहेंगे और पापड़ क्रंची लगेंगे, इसीलिए हमने इसे बचाया था। और इन सबको मैं इसके साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और हम इसे 5 से 7 मिनट और पकाएंगे और चलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपके ना। बीच बीच में आपको चलाना ज़रूर है क्योंकि ये चिपकने लगता है। तो देखिए मैं इसे बीच बीच में ज़रूर चला रही हूँ और इसमें बहुत ही अच्छा उबाल आ रहा है, जैसे खदक बोलते हैं, तो इसमें आ रही है अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे देखिए ये पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, इसमें कुछ दाने दिख रहे हैं आपको सफ़ेद सफ़ेद, जो मैंने लास्ट में डाले थे, जो मेरा पर्पस था कि इन्हें लास्ट में ही डाला जाए और ऐसे ही दिखें। तो यहाँ पे मैं अब कर दूंगी फ्लेम को ऑफ और मैं इसे ठंडा कर लूँगी। हम इसे कम्प्लीटली ठंडा नहीं करेंगे, हम इसे थोड़ा गुनगुना रखेंगे, थोड़ा गर्म थोड़ा सा ठंडा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसे ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं इसे ले आई हूँ अपनी बालकनी में जहाँ पे मैं अपने पापड़ सुखाऊंगी। तो ये अभी थोड़ा गुनगुना है, यहाँ पे लिया है मैंने एक छोटा चमचा, आप कुछ भी ले सकते हो, चम्मच या चमचा जिसका भी आपको नाप रखना हो। और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लें और अब हम अपने पापड़ डालेंगे। और आप इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से ऐसे गोल गोल स्प्रेड कर लें।
जितना बड़ा आपको रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। आप चाहो तो इन्हें चद्दर पे भी बना सकते हो, लेकिन चद्दर पे बनाने से क्या होगा कि जब आप इसे सुखाएंगे तो इसमें जब आधे सूखें तभी इसे छुड़ा लें, और या फिर आप चाहो तो पॉलीथीन पे भी कर सकते हैं। पॉलीथीन पे ऑयल लगा के वो भी हो जाएगा, वहाँ से भी छूट जाएंगे और चद्दर से दोनों से ही छूट जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से अपने सारे पापड़ों को फैला लूँगी और कम से कम ही इन्हें रखेंगे 2 दिन अच्छे से तेज़ धूप में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पापड़ सूख चुके हैं और मैंने इन्हें स्टोर कर लिया था। मैं आपको दिखा दूँ, मैंने इन्हें छुड़ा लिया था और ये पूरे तरीके से आगे पीछे से सूख गए हैं। और अब मैं इन्हें आपको डीप फ्राई करके दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में लिया है तेल, मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहो तो कोई भी ऑयल ले सकते हो। और इसको हम अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे, जो आपका ऑयल है वो अच्छा गर्म होना चाहिए इन्हें सेकने से पहले। तो मेरा ऑयल यहाँ गर्म हो चुका है और इसको मैं डालूँगी इसके अंदर। और ये देखिए, इसने अपना साइज गेन कर लिया है, कितने अच्छे से फूल गया है ये। और इसका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो मैं निकाल लूंगी। और इसी तरीके से मैं अपने बाकी सारे पापड़ भी सेक लूंगी। और ये देखिए दोस्तों, मेरे साबूदाना पापड़ एकदम तैयार हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे बने हुए हैं और बहुत ही क्रंची हैं, बिल्कुल भी तेल नहीं है इनके अंदर। मैं आपको क्रश करके भी दिखा देती हूँ, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है और बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं। आप मेरी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ईजी है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं।